अंजलि ने यहाँ पे एक व्यक्ति के कपड़े चुरा लिए दुकान में से। मतलब हम आपको मात्र मात्र और मात्र वही स्वाद बचपन वाला। मैंने सुना है कि काफी बढ़िया टिक्की होती है। रंगत देखो एक बार इसकी कितनी ज्यादा मसालेदार। ये देखो भाई, ये हमने जानबूझ की नहीं करा, ये अपने आप हुआ है। स्वागत है आप सभी का एक और नई मजेदार वीडियो में। तो यार काफी लंबे समय बाद हम आप लोग से मिल रहे हैं और आप लोग हमसे मिल रहे हैं। तो अंजलि क्या कहना चाहेगी, क्या ऐसा मतलब क्या चीज हो गई थी हमारे जीवन में जिससे कि हम इतना लेट वीडियो डाल रहे हैं? हम लोग बहुत ही ज्यादा थोड़े से ना बिजी हो गए थे, हम इधर उधर के कामों में अपने लग रखे थे, तो हम वीडियो वगैरह बिल्कुल हमारे पास टाइम ही नहीं था शूट करने का। तो बस इसी के चलते अब हम और ज्यादा आपको वेट नहीं करा सकते थे, ना हम खुद वेट कर सकते थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर के आए हैं तिलक नगर, और तिलक नगर में जो चीज हम आपको खिलाने वाले हैं वो हमें भी नहीं पता क्यों, क्योंकि एकदम रैंडम वीडियो होने वाला है। हमें जस्ट ऐसा था कि यार चलो कुछ शूट नहीं किया, चलते हैं शूट करते हैं। तो आज हम तिलक नगर आए, और आज तिलक नगर में हम आपको मात्र मात्र और मात्र तो हमने सोचा है, पैसे नहीं निकल रहे हैं ना अभी जेब में से, एक सेकंड अभी पैसे निकालना पीछे से, पीछे वाली पॉकेट में पैसे तो इसने पीछे वाले पॉकेट में नहीं रखे हैं, लगता है गिर गए, एक सेकंड पोपट ना हो जाए हमारा। पैसे जो है वो खो गए थे, फिर हमने कंप्लेन करवाई, तो उसके बाद ये 200 रुपए मिल गए। इन 200 रुपए में आज और आप, मतलब आज आप नहीं, हम आप और आज क्या क्या खा सकते हैं इन 200 रुपए में, आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए ढूंढते हैं सबसे पहली लोकेशन की, आज हम इन 200 रुपए की शुरुआत आखिर कहां से करें, कि हम तिलक नगर में 200 रुपए में क्या क्या खा सकते हैं आज हमारा। और भाई शाम का टाइम है, भीड़ एकदम बहुत है, और पी 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 बहुत वीडियोस में आपको मिलेगी, तो उसको इग्नोर कर देना। ये देखो आप तिलक नगर की मार्केट देखो पहले, क्या बात है जी, हमेशा यहाँ पे जब आओ तो ऐसी भीड़ ही लगी रहती है, और खाने के आइटम बहुत कुछ है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भाई सबसे पहली जगह जो है ना वो तिलक नगर में, मैं जब भी आता हूँ, अंजलि ने मुझे इसके बारे में बताया था, वो है भाई यहाँ पे भैया लगाते हैं टिक्की वाले, तो इनकी ना टिक्की ट्राई करते हैं। मैंने सुना है कि काफी बढ़िया टिक्की होती है, और एक बार टेस्ट करेंगे और आपको भी बताएंगे कैसी इनकी जो है टिक्की होने वाली है। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कि इन 200 रुपए के में हम इस टिक्की को मतलब ले सकते हैं, मतलब कितने रुपए की है, कहीं ऐसा ना हो ना सारा पैसा इसी में खर्च हो जाए हमारा, कुछ भी नहीं होगा, 150 रुपए की टिक्की हो। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये देखो जी, ये है तिलक नगर की फेमस टिक्की, क्या बात है, टिक्की का साइज अच्छा खासा है, उधर मसाले वगैरह रखे हुए हैं। भैया टिक्की की क्या प्लेट है? 110 रुपए। भाई 200 रुपए में 110 रुपए में 110 तो इसी में चले जाएंगे। हाफ कितने की है भैया? हाफ कितने की है? I don't know, हाफ 60 की, 70 रुपए की हाफ है। तो भाई मैं नहीं खा रही, मेरे 70 रुपए इसी में जाने वाले हैं, तो भाई बहुत बहुत ज्यादा महंगा नहीं है भाई, ये 200 रुपए मात्र है हमारे पास, उसमें भी अगर हम 110 रुपए की टिक्की खाएंगे तो भाई बचेगा क्या। तो भाई पहला जो है टिक्की वाले भैया कैंसिल, इनसे नहीं खाएंगे हम टिक्की, बहुत महंगी दे रहे हैं भाई, बहुत महंगी। अब देखते हैं यहाँ पे हमें और क्या क्या मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है यार, कुछ ना कुछ 200 रुपए में हम बहुत कुछ खा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं भाई, वहाँ पे टिक्की तो हमने कैंसिल कर दी क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी थी। अब यहाँ 3-4 स्टॉल है, यहाँ देखते हैं कि हमारे मतलब का कुछ है या नहीं है। भाई मोमोज दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो आइए चलते हैं मोमोज का रेट पता करते हैं। हेलो भैया, पनीर मोमोज कितने के हैं? 60 रुपए के फुल है। हाफ कितने के दोगे? 30 के दोगे? हाफ ले लेते हैं, हाफ ले लें, पनीर मोमोज ले लें। हाफ पनीर मोमोज सबसे पहले हम खाएंगे भैया, हाफ पनीर मोमोज लगा दो। ये देखो जी, ये है इनके, ये वाले कौन से है, पनीर है ना ये वाले, ये है जी पनीर मोमोज। कितने पीस आते हैं? 4 पीस आएंगे हाफ में फुल, बस 4 पीस यार, बहुत ही ज्यादा ये तो। थैंक यू, आपके दोनों हाथों को रख, थैंक यू। हेलो भैया, नेल एक्सटेंशन, थैंक यू थैंक यू। ये लो जी, अभी बाद में करवा, ये तैयार है भाई हमारे मोमोज, तो मात्र 40 रुपए में नहीं 30 रुपए में है ये मोमोज। तो चलिए ट्राई करते हैं, पनीर मोमोज हमने लिए हैं भाई, गर्मा गर्म है। दिल्ली वालों की जान मोमोज, जो कि हम इसके पीछा नहीं छुड़ा सकते। इस मोमोज में भाई इन्होंने प्याज और पनीर है, साथ में मोमोज वाली चटनी, चलिए टेस्ट करते हैं। अच्छा है, सही है, जैसे होने चाहिए वैसे ही है, बढ़िया है। तो भाई तिलक नगर में पहले आइटम आप आकर के जो खा सकते हो वो है मोमोज। मोमोज तो हमारे जो 200 रुपए में से 30 रुपए कट चुके हैं और हमारे पास बचे हैं 170। पहले आइटम हमने खा लिए भाई मोमोज, अब देखते हैं दूसरे आइटम हम क्या क्या खा सकते हैं यहाँ पर तिलक नगर में आकर के। तो अंजलि क्या खाया जाए? मेरे को ना काफी टाइम से टिक्की और गोलगप्पे और ये चाट पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा था, तो सबसे पहले हम खाएंगे गोलगप्पे, जो कि इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं। मिर्ची लग रही है मोमोज की यहाँ पे,
क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी भी है। तो अब हम खाने जा रहे हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे ट्राई करते हैं। या आ गए हम गोलगप्पे वाले भैया के पास। तो 30 रुपए के गोलगप्पे हैं। 30 रुपए की प्लेट है भैया यहाँ पे। तिलक नगर है भाई, तिलक नगर 20 रुपए के नहीं मिलेंगे आपको। 30 रुपए की तो यार। ये लो जी, ये लो। हम द्वारका में खाते हैं 20 रुपए के। अच्छा अच्छे हैं, हम भी ट्राई करेंगे। 30 के कितने पीस है भैया? 6 पीस। ठीक है, एक हम भी ट्राई कर लेते हैं। भैया तीखा बना देना थोड़ा सा ना। ये लो जी, ये चलो यार खा लेते हैं यार। गोलगप्पे जब मुंह में जाते हैं ना तो कुछ बोला नहीं जाता, सिर्फ खाया जाता। दिल्ली वाले बहुत मजे से खाते हैं गोलगप्पे, बहुत मजे से। ये मीठा लगा के देना, मीठा लगा दो। चटनी नहीं होती। एंड में पापड़ी तो बहुत पापड़ी ही पापड़ी देखो भाई, पापड़ी में भैया ने छोले चटनी बढ़िया बढ़िया। आलू तो मीठा भी पसंद होता है पापड़ी में, ये तो मस्त है खाना। चलो बढ़िया, अब मेरी बारी खाने की। गोलगप्पे जैसी है पर पानी नहीं है। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब बताता हूँ कि जब हमारा ये प्लान हुआ कि चलो यार अपना तिलक नगर चलते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो सडनली ये भी अपने घर से रेडी हो गया, मैं भी अपने घर से रेडी होके आया। रेडी होना तो मस्त है भाई। और हुआ कुछ यूँ कि ना इसको पता था कि मैं क्या पहन रहा हूँ और ना मुझे पता था कि ये क्या पहन रही है, और हम दोनों ही जो है ना आज सेम सेम हो गए हैं। ये देखो, इसने भी ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है ऊपर, और नीचे देखो। और इवन आपको बताऊं तो हम दोनों की चप्पलें जो है ना वो भी सेम है, वो भी सेम है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये हमने जानबूझ के नहीं करा, ये अपने आप हुआ है। ट्रेनिंग अपने आप हो जाती है हमारी। ये देखो भाई, भीड़ देखो, सिर्फ खाने वालों की भीड़ है ये। एंड नो डाउट दिल्ली वाले बहुत ज्यादा ही खाते हैं, चटोरे हैं भाई, चटोरे हैं हम, इंटरनेशनल चटोरे हैं। ये लो जी, अब नेक्स्ट खा के देखते हैं भाई, राम लड्डू। ये लो जी, राम लड्डू का ट्राई करते हैं भाई। अब हम ट्राई करने वाले हैं इनके राम लड्डू, जो कि है 30 रुपए के। 30 रुपए के हमने अभी तक टोटल कितना अमाउंट खर्च किया? 30 हमने क्या खाया था फर्स्ट? हमने 30 का हमने मोमोज खा लिए थे, 30 रुपए के मोमोज, एंड 30 के हमने गोलगप्पे खा लिए थे। अब 30 का ही हमें राम लड्डू, तीसरी आइटम है ये, तीसरी आइटम है। ये देखो, ये तो है। आप लोग तिलक नगर आओ तो आप 200 रुपए में, मेरे को अब लग रहा है कि आप अपना पेट भर के जा सकते हो। मैं अभी ऐसा नहीं कहूंगा कि पेट भर सकते हो, क्योंकि जब तक मैं पूरी चीजें ट्राई ना कर लूं, संतुष्ट ना हो जाऊं, तब तक मैं ये बात नहीं मानूंगा। और ना अब लगने जा रही हमारी प्लेट 30 रुपए वाली। 30 रुपए में कितने पीस होते हैं भैया? 4 पीस। 4 पीस होते हैं। ये लो जी, ये ऊपर से आ गई मूली, ये आ गई जी मूली और मूली के पत्ते। ये चटनी किस चीज की होती है भैया? धनिया अदरक अमचूर। ये लो जी, क्या बात है भाई। मीठा नहीं, नहीं मीठा रहने दो। ये लो जी क्या बात है, ये बनके तैयार है भाई हमारे 30 रुपए की राम लड्डू की प्लेट। मुझे ऐसा लग रहा है संजू ही सब कुछ खाएगा, दिखाऊंगी कैसे खड़ा हुआ है, किसका भी शूट करने वाली हूँ मैं। सोचा मैं शूट नहीं करूंगी, हरदम खाता है और सबसे पहले खाता है भाई। मुंह में आ रहा है पानी, राम लड्डू देखिए। चम्मच चम्मच से ना राम लड्डू खाने का कोई फायदा नहीं है। देखो हाथ है ना, इसको लो थोड़ा सा ना, इसको ना ऐसे फोड़ो, हल्का सा फोड़ो, और ऐसे ना चटनी में बढ़िया तरीके से ना मिक्स करो इसको मूली वूली के साथ एकदम बढ़िया से, और ये ऐसे करके और सीधा इसे अपने मुंह में डाल दो। जिसको खाना नहीं आता ना, राम लड्डू गिराओ और खाओ, संजू से सीख सकते हो। वाह, राम लड्डू की खाने का जो टेस्ट है ना वो सारे इसकी चटनी के साथ ही आता है। अगर इसकी चटनी बढ़िया है ना तो आपको राम लड्डू खाने में बहुत मज़ा आएगा, अगर चटनी सही नहीं है ना तो मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन इनकी चटनी वाकई में बहुत अच्छी है। तो अभी तक 30-30 रुपए के हम 3 आइटम खा चुके हैं, अब आगे चलते हैं, देखते हैं और हमें खाने को क्या मिलता है। पेट भरा नहीं भरा दे रहा अभी तक? नहीं भरा। तो भाई गर्मी जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, बट हम लोग खाने से बिल्कुल बाज नहीं आते, हमें खाना तो मस्त ही है। अंजलि ने यहाँ पे एक व्यक्ति के कपड़े चुरा लिए दुकान में। मतलब ये पागल है, ये कुछ भी बोलता, मैं ऐसे होगी कि ये बोलने क्या वाला है। ये खाली बोलती है कि इसका पेट भर गया, लेकिन इसका पेट नहीं है, कुआ है, कुआ। यार इनकी जो चटनी है ना वो बहुत 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 चटनी है ना, बढ़िया चटनी है। ये देखो भाई, जैसे जैसे शाम हो रही है सारी दुकानों की लाइटें जल रही है, और इन सभी लाइटों के बीच में हमारा ये तिरंगा कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से जो शाम जो ढल रही है, चार चांद लगा रही है यूं मानो। तो यार अब ना खा तो बहुत कुछ लिया, अब मेरा मन है पीने का। ये बात तो बता कि सोडा पीने के लिए हम आए इनके बॉम्बे का काला खट्टा चुस्के, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लो भैया, एक बंटा बना देना, कितने का है? 40 का एक बना दो यार। यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे हर चीज़ 10 रुपए महंगी है। क्या हो गया? जो चीज़ 30 की मिलती है वो तिलक नगर में 40, जैसे गोलगप्पे हो गया, बंटा हो गया,
भाई बना दो, एक बना दो क्योंकि प्यास बहुत लग रही है यार। तो बंटा पिए, पानी की बोतल खरीद लेंगे, हमारे 10 रुपए कम बचेंगे। पर बंटा पीते हैं, बंटा पी लेते हैं भाई। ये कर दिया जी स्क्वीज, ये आ गया जी मसाला यहाँ पे। भैया की चम्मच देखो भाई, एक बारी में चम्मच दिखाता हूँ। भैया चम्मच दिखाना जरा अपनी एक बारी, पूरा जुगाड़ कर रखा है भैया ने। भैया आइसक्रीम स्टिक को इन्होंने जो है चम्मच बना रखा है। खुला नहीं, अब खुला है। ओ, 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 क्या बात है भाई, देखा आप लोगों ने गैस। ताजगी आ जाती है, इतनी गर्मी हो रही है और ये मिल जाए, मजा आ जाता है। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आई, इसको पता था हमारे पास 90 रुपए और ये 40 रुपए का सिर्फ इसने यही ले लिया। मैं होती तो मैं, भाई मैंने बोला था कि 20 रुपए की पानी की बोतल ले ली, बोले नहीं लेमन चूड़ा लेंगे। मुझे लगा कि 30 रुपए का होगा, इसने बोला 10 रुपए महंगा है। हाँ 10 रुपए महंगा है भाई, इधर इधर इधर। ये 50 रुपए बचे हैं और इसमें मैं सिर्फ अब खाने वाली हूँ, आलू चाट ढूंढूंगी और यही खाऊंगी। हम अभी तक खा चुके हैं 130 रुपए का आइटम और अभी हमारे पास बचे हैं 70 रुपए। तो मतलब अभी हम दो आइटम खा सकते हैं, बहुत आसानी से। वो देखते हैं कितने आइटम। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या मिलता है और खाने को। बाकी आप तिलकनगर में अगर आते हो तो आप क्या खाते हो मुझे ज़रा कमेंट करके बताना, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आप जब आ रहे हो तो आप क्या खा रहे हो। भाई खाना तो खाना, कपड़े देख रहे हो आप, कपड़ों की मार्केट भी खूब बढ़िया लगती है यहाँ पे। आइटम जो होने वाली वो मेरी पसंद की होने वाली है और मुझे पता लग गया कि मुझे क्या खाना, क्या खाने में यही देख रही हूं उसको क्या खाना है। अभी मेरी नजर पड़ गई इन छल्ले वाले भैया पे। भाई ये जो मसालेदार छल्ले मिलते हैं ना, मजा आ जाता है इसे खा के, सच बता रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये वाली छल्ली होती है, ये देखो दाने देखो कितने मोटे मोटे हैं इसमें। अंकल कितने रुपए प्लेट है? 20, 30, 40, 50। 20 का लेंगे हम, यहाँ पे हम 20 वाला लेंगे। अब ये 20 रुपए हम देने वाले हैं और अब हमारे पास बचेंगे 50 रुपए। तो अंकल 20 वाली प्लेट लगा देना एक हमारे लिए। देखो इस पूरे में आप छल्ली भर के रखते हो ना, एक बार दिखाएंगे? अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसके अंदर कितने सारे जो है भुट्टे होते हैं। ये देखो जी क्या बात है, बढ़िया एकदम। भैया थोड़ा ना चटपटा बना देना भैया, इसके लिए ना नींबू भर भर के डाल देना। ये देखो जी ये आ गया जी, ये छल्ली होती है ना इसका दाना काफी मोटा होता है। ये देखो जी ये देखो अंकल, ये चटनी मुझे बताओ कि कैसे बनाते हो, थोड़ा बताओ बताओ। हम आपको बता देंगे, क्योंकि ये बड़ी अलग अलग होती है ये खाने में ना, इसका स्वाद बड़ा। अच्छा ओके, काफी थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका। ओके तो ये लो जी बनके तैयार है हमारे यहाँ पे छल्ली मसाले वाली। मुझे याद है जब मैं स्कूल जाया करता था तो उस समय मेरे गली में एक अंकल आया करते थे, वो बनाता हूँ वही है ना ये। ये लो जी ये बनके तैयार है हमारी मसाले वाली छल्ली। भाई रंगत देखो एक बार इसकी, कितनी ज़्यादा मसालेदार लग रही है ये। टेस्ट कर लेता हूँ फटाफट से। वही स्वाद बचपन वाला मसालेदार। मैंने इसको ना पहली बार ऐसे देखा है कि ऐसे भी चटाकेदार, मजेदार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया अंकल। लिटरली यार मुझे ना ये देखने में काबुली छोले ही लग रहे हैं कि अंकल ने काबुली छोले उबाले मसाले डाल के दे दिए, थोड़ा सा वैसे दिख रही है। हाँ ये कौन से हैं, और संजू बचपन से खा रहा है और ये मैं पहली बार देख भी रही हूँ। छल्ली तो ऐसे पता था, खाता है बढ़िया है ना, अच्छी है बढ़िया, बहुत ज्यादा मसाला है मुझे। मैं रिएक्ट तो ऐसे कर रही थी, मसाले खाती ही नहीं है, भर भर के मसाले खा रही है, यहाँ पे ऐसे बोल रही है कि मसाले हैं ये। थोड़ा अजीब सा टेस्ट लग रहा है इसका, इसको पसंद तो आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो अपनी अपनी चॉइस है भाई। पर एक बात बताऊं, जब इसने पूछा अंकल से अंकल क्या डालते हैं मसाला में, अंकल कहता मैं क्यों बताऊं तुझे, तुझे नहीं बताना, मैं बता दूंगा तो तू भेजने लगेगा। तो पर मुझे ठीक ठीक लगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए, पता नहीं इसको कैसे अच्छा लग रहा है। इसको भाई अच्छी चीज पसंद ही नहीं आती, सही बता रहा हूँ। नहीं मुझे सीरियसली पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा ही मसाला है और इसको मसाला और खट्टा, मतलब मुझे भी तीखा पसंद है, मसाला पसंद है। नॉट जस्ट कि तीखा और खट्टा है, इसमें फ्लेवर्स हैं, ये नहीं है कि बस तीखा ही, तीखा तो है ही नहीं पहली बात। तीखा नहीं है और मुझे मसाले का टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा, खट्टा है खट्टा है। चलो कोई नहीं, इसको पसंद आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे भाई आपको ना बहुत सारे नारियल पानी वाले मिलेंगे जो कि आपको निकाल के ग्लास में 20 रुपए का ग्लास होता है यहाँ पे, और सब जो है नारियल पानी बेच रहे हैं अपना। देखो तो भाई अभी जो है ना हमारे पास 50 रुपए बचे हैं और हमने आई थिंक कितने आइटम खा लिया,
तीन चार और एक पांच पांच मतलब एक पीने वाली थी उसमें से चार खाने वाली थी। मेरा पेट जो है ना भाई अब भरना शुरू हो गया है। अब मैं थोड़ी प्यास लगी है क्योंकि वो स्पाइसी वाला जो खाया था वो। अब हम ना यहाँ पे नारियल पानी ट्राई। कितने कितने वाले ग्लास रहते हैं आपके पास? 20-30-40 लिखा हुआ है ना आपने, 10 का भी है। देख लो एक 10 वाला देना जरा। देखो जी ये है पूरा इनका जो ड्रम होता है, गिरी वाला पानी है। 10 का ग्लास देखो भाई, चाय जितना वाला, चाय से थोड़ा सा बड़ा लगा लो। बजट कम है हमारा। ये लो अंकल, पूरा ओरिजिनल पानी होता है ना ये नारियल वाला ही। बिल्कुल हाँ भाई, ये नारियल नारी पानी ही है यार। मेरे को अजीब लग रहा है कि इसमें गिरी भी है। ओ गिर गया, गिरी से बोला गिरी है। अजीब अजीब कुछ नहीं लग रहा भाई। नहीं है तो नहीं है आलू चाट, सिंपल नहीं सी यार है। होना चाहिए था। चलो अब आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि भाई जैसा कि आपको हमारे इस चैनल के बारे में तो पता है, इस चैनल पे हमारी जो है 5K+ फैमिली हो चुकी है। और अब मैं आपको बताता हूँ अंजलि के चैनल के बारे में। तो अभी जो है हमने रिसेंटली अंजलि ने अपना एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है मेकअप बाय अंजलि। तो आप जाइए उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी है वो, तो लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अंजलि अगर तो कुछ कहना चाहती है थोड़े क्वांटिटी में ज्यादा तो कह सकती है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनानी ना। ये हमेशा मुझे रोकता है बोलने से कि बहुत बोल देती है तू, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेकअप बाय अंजलि और शेयर कर देना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना मुझे, क्योंकि भाई इसके जो चैनल की अगर मैं बात करूँ ना, सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी बात मुझे ये लगती है पर्सनली बताऊँ कि ये जो अपनी जर्नी दिखाने वाली है उसमें कि जीरो से लेकर के जितना भी आगे बढ़ती है, जितना भी सीखती है, जितना भी इसके स्किल्स इसके हाथ में ये बना पाती है अपना, तो वो सारी आपको इसके चैनल पे देखने को मिलेगी। तो जीरो से कर रही है शुरू, तो देखना जरूर इसके चैनल पे जाके, सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी आप विजिट करो एक बार चैनल, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। इसके जो आलू चाट की तलाश थी वो तो तिलक नगर में ही दफन हो गई, कहीं मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे है नहीं शायद। तो अब जो हम कौन सी आइटम, फिफ्थ आइटम हम खाने जा रहे हैं, हमारे सिक्स्थ आइटम है। सिक्स्थ आइटम यार हम भूल ही गए, खाते खाने में इतने बिजी थे हम लोग। छठी आइटम है, छठी आइटम खाने जा रहे हैं गोला, बर्फ वाला गोला, और यहाँ पे वो मिल रहा है 40 रुपए का। तो चलिए गोला खाते हैं। आज जो हमारे 200 रुपए में से 40 रुपए बचे थे वो अब खत्म हो चुके हैं, लास्ट है ये हमारा। मैं ये लीजिए। तो भाई ये है हमारी लास्ट आइटम, तो 200 रुपए में आप जो है ये सारी आइटम खा सकते हो।